हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सुबह के इस वक्त 9:30 बज रहे हैं और मैं आज जा रहा हूं अमृतसर से बाघा बॉर्डर के लिए। तो मैंने पहले से ही ऑटो बुक करके रखा है, तो ऑटो आ गया है। तो ये है हमारे गोल्डी पाजी जो हमें कल मिले थे। आ गए आप टाइम पे, बहुत जल्दी आ गए, घंटा पहले आ गए। हाँ जी सर जी, हम टाइम पे बहुत पक्के। चलो बढ़िया, आज तो बढ़िया लग रहे हो यार, आप एकदम है हीरो लग रहे हो। तो गोल्डी पाजी कल मुझे रास्ते में मिल गए थे, बोले मैं आपको लेकर चलूंगा। मैं बोला चलो आपके साथ ही जाएंगे। मैं गोल्डी पाजी के पास में बैठ गया, आगे शूट करने में भी अच्छा रहेगा और कुछ बातें भी हो जाएगी, टाइम पास हो जाएगा। 10वां दिन है आज मुझे घर से निकले हुए और कल जाकर मेरा गला थोड़ा खराब हुआ है, तो गरम गरम चाय पीते हैं यहाँ पर। गोल्डी पाजी बढ़िया चाय पिला दो। ठीक है सर जी। जिस बॉर्डर पर हम जा रहे हैं उसे बाघा बॉर्डर बोलते हैं, लेकिन बाघा पाकिस्तान की तरफ है और अटारी इंडिया की तरफ है। तो मैंने इनको बोला कि अटारी बॉर्डर क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते सर जी? हम तब नहीं बोलते क्योंकि हम अपना गांव नहीं दिखाने जा रहे, हम पाकिस्तान दिखाने जा रहे हैं ना, पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाने जा रहे हैं। सही बात है, इसीलिए हम वाघा उनको तभी बोलते हैं कि वाघा बॉर्डर जाने वाले। तो मैं फर्स्ट पॉइंट पर पहुंच गया हूं, पीछे गुफा वैष्णो देवी का मंदिर है, लाल देवी मंदिर है ये, लाल देवी माता का। तो वहां पर जाना है, लेकिन पहले चाय पी लेते हैं, सुबह का समय है और गला भी खराब है, अच्छी सी चाय पी के चलते हैं। भाई साहब चाय पिला दीजिए, अदरक वाली। ये भाई साहब मिले, देखते हो आप चैनल? बहुत अच्छी तरह है। अच्छा। मैं फॉलो भी करता रहता हूँ सर। अच्छा, रूटीन में मतलब एक या दो ब्लॉग्स तो आपके मैं देखता रहता। अच्छा, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? पंचम सहगल। आप यहीं के अमृतसर के? नहीं, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, मुझे 17 साल हो गए दिल्ली से यहाँ अमृतसर शिफ्ट किए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा शहर है। अच्छा, गुरु की नगरी, प्यार की नगरी जी। नहीं बहुत अच्छा, हमने घूमा कल, आज हम बाघा बॉर्डर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। भाई साहब कौन से ढाबे पे जाना है? केशव ढाबा। भाई साहब कौन से पे जाना है? नाम बोलो, नाम बोलो। नहीं नहीं, कढ़ाई अपनाओ, कढ़ाई अपना, पता नहीं कड़ा तो जाओ क्या बोल रहे। यहाँ खाने जाना, एक बोल रहे वहाँ जाना। तो सबसे बढ़िया डिस्कवरी में भी, जियोग्राफी में भी कर रहा है, नंबर वन है केसर का ढाबा। केसर, केसर का ढाबा, वही तो कह रही है। ये केसर बोल रहे हैं, केसर बोल रहे वोट करते हैं। भाई साहब केसर या केशव? केसर, केसर। भाई साहब केसर या केशव? केसर, केसर। केसर या केशव? कौन ढाबा? केसर या केशव? इन दोनों में से बताओ, केसर या केशव? ये अलग ही बता रहे हैं। चलो देखते हैं, जहाँ टाइम मिलेगा, जो सुटेबल होगा वहाँ पर चले जाएंगे। कुछ नहीं है केसर, नंबर वन उसका जियोग्राफी में पूरा प्रॉपर आया हुआ है, उसका नंबर वन रहेंगे केसर का। और दो से टूरिस्ट स्पेशल नेट पे सर्च करते हुए केसर के ढाबे में आते हैं, 3-3 घंटे बारी नहीं आती। कोई बात नहीं करो, अब केसर को ला, केसर पे जाके देखो उसकी सेल क्या है। काखनी, काखनी केसर पे 150 रुपए थाली काखनी है, खा के पूछा। ओ चाय आ गई है हमारी, चाय पीते हैं मस्त, एकदम गला सही करते हैं। कहाँ से आए हो? हम सूरत से आए हैं जी। दाल और पराठा खाना। क्या खाना वहाँ पर? पराठा मक्खनी और दाल मखनी और पराठा, पराठा लच्छे वाला। कौन सा लच्छे वाला? अच्छेदार आपको देंगे। चलो ठीक है। चलो बाजे रोते हुए फुल मूड में जा रहा हूँ मैं बाजी के साथ, गाने गाते गाते सुनते सुनते। तो ये है सरसों के खेत और गेहूँ की खेती। वाह क्या हवा आ रही है, एकदम खूब यहाँ पर। तो कितना बढ़िया रास्ता, देखो आप दोनों तरफ खेत है, इस तरफ भी खेत है और इस तरफ भी खेत है। बहुत अच्छा सुकून मिलता है ऐसे रास्ते पर जाने का, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ आके मुझे लग रहा है रियल फील पंजाब वाला। तो अभी 2:30 बज गए हैं और यहाँ से जो बॉर्डर है वो करीब 15 मिनट की देरी पर है, 4-5 किलोमीटर होगा। तो थोड़ा भूख लग रहा है तो कुछ हल्का फुल्का यहाँ पर नाश्ता करके जाएंगे आगे। मोचा, ब्रेड पकौड़ा, भजिया पकौड़ा, मैगी, चाय। अच्छा, ब्रेड पकौड़ा खिला दीजिए। बैठो बैठो बैठो, अभी ड्राइवर आएगा, धोएगा।
नहीं नहीं कोई नहीं नहाएंगे, ये तो एकदम नहा धो के हीरो बन के हमारे साथ सुबह चले। काफी समय से अटारी बाघा बॉर्डर आना चाहता था लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो अभी आज मौका मिला और फाइनली मैं बॉर्डर से केवल 4 से 5 किलोमीटर दूर हूँ। ये सेरेमनी बचपन से मैं टीवी में देखता आया हूँ, आज इसको लाइव देखेंगे, मजा आएगा। पास में बढ़िया खेत है, देखो आप गेहूं का खेत है ये। लो जी धन्यवाद। तो ये है अपना ब्रेड पकौड़ा, हाँ इसके बाद चाय। अच्छा है पाजी, तो चाय लाओ, चाय पिला दो भाई। ब्रेड पकोड़ा तो सही था लेकिन चाय में मजा नहीं है। भैया कितना हो गया? दो ब्रेड पकोड़ा और दो चाय। चाय कौन सी ली, स्पेशल क्या है, रेगुलर? बस ये लाल कप में दी थी, रेगुलर ही थी, स्पेशल तो नहीं थी। 120 हो गया। तो नाश्ता हो गया बढ़िया से, अभी आगे बढ़ते हैं बॉर्डर के लिए, चलते हैं। भाई काका आगे जो एक जा रहे हैं, ये देखो साइकिल जैसा है और नीचे उन्होंने मोपेड का इंजन लगाया है। काका हाय कर दो। जुगाड़ वाली साइकिल है, जुगाड़ वाली है। तो पाजी थैंक यू सो मच। ओके सर, मजा आया आपके साथ। आपको कैसा लगा मेरे साथ? बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत बढ़िया बढ़िया। और नेक्स्ट टाइम घूमने आना है फैमिली के साथ और मैं ही आपको घुमाऊंगा। पक्का पक्का। ओके सर, चलो। अभी मैं अमृतसर के सबसे पुराने और सबसे फेमस रेस्टोरेंट में हूँ, इसका नाम है केसर दा ढाबा। काफ़ी सुना था इसके बारे में, तो दो दिन से कोशिश कर रहा था यहाँ पर आऊँ लेकिन समय नहीं मिला, तो आज फाइनली मैंने सोचा ट्राई कर ही लेते हैं। और बहुत अच्छा खाना है इनका, सही टेस्ट अच्छा है। तो खाना खा के मैं पैदल पैदल होटल की तरफ जा रहा हूँ और होटल यहाँ से करीब 800 से 900 मीटर की दूरी पर है, तो मैंने सोचा चलो मार्केट भी देख लेंगे और वॉक भी कर लेंगे। ये अंदर की साइड का मार्केट है यहाँ का। चलते चलते मैं तो गोल्डन टेम्पल पहुँच गया। एक बार तो हमने अच्छे से दर्शन किए अंदर से और आज बाहर से भी कर लेते हैं फिर से। तो ये गोल्डन टेम्पल की एंट्री है। तो अभी मैं होटल पर आ गया हूँ और अभी मैं पैकिंग करूँगा बैक टू पवेलियन, सूरत वापस जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरा कैमरा का माइक ख़राब हो गया है तो माइक बिना मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। और आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं वैसे मुझे घर से निकले हुए, तो 2 दिन मुझे लगेंगे फिर से पहुँचने में। कल मैं निकलूँगा और परसों पहुँचूँगा। वैसे मुझे यहाँ से चंडीगढ़ और शिमला जाना था लेकिन नेक्स्ट ट्रिप में करेंगे वो, फिलहाल अभी यहाँ से फिर से घर की तरफ चलते हैं। तो घर वालों को मैंने बताया नहीं है, उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, आ रहे हो क्या, तो मैंने बोला नहीं मैं कंप्लीट करके ही आऊँगा, 4-5 दिन लगेंगे, तो उनके लिए सरप्राइज कर रहा हूँ प्लान में, देखते हैं सरप्राइज रहता है या नहीं। हालांकि मेरी वाइफ को पहले पता चल जाता है पता नहीं कैसे। तो ये सारा सामान है अभी मैं पैक कर रहा हूँ क्योंकि सुबह की 7:20 की ट्रेन है और मुझे सुबह करीब करीब 5 बजे उठना पड़ेगा, 6:30 बजे निकलना है स्टेशन के लिए। भैया एक चाय दो। सुबह के इस वक्त 7:15 बज रहे हैं और मैं अमृतसर रेलवे स्टेशन पर हूँ। तो ये है अपना कोच B6, ऊपर वाली सीट मिली है मुझे साइड की। तो ये पश्चिम एक्सप्रेस है और आज 7:20 पे यहाँ से निकलने वाली है और सूरत पहुँचेंगे हम कल लगभग सुबह 10:30 बजे, तो करीब करीब 27-28 घंटे की जर्नी है। क्या है भाई? ब्रेड कटलेट ऑमलेट पोहा सैंडविच है, ब्रेड ऑमलेट भैया। तो ट्रेन रवाना हो गई है और मैंने अपना काम शुरू कर दिया है यहाँ पर।
और ये नाश्ता मंगवाया है, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं सुबह सुबह। ब्रेड कटलेट लिया है मैंने। सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अपने घर पर पहुंच गया हूं सूरत सही सलामत। और वाइफ को पता चल गया, वैसे मैंने बताया था ना उसको पता चल जाता है, लेकिन सरप्राइज पूरी तो नहीं रही। लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं शाम को आऊंगा, लेकिन अभी मैं 11 बजे आ गया हूं इधर। हालांकि बच्चों को पता नहीं है, सिर्फ वाइफ को पता है कि मैं आज शाम को आऊंगा, अभी नहीं। देखते हैं। हेलो खोलो खोलो, जादू से आ गए, जादू से। अभी उठी है, अभी उठी है। हाँ। मम्मा कहाँ है? काम पे गई है। और दिशु स्कूल गया है? अभी आएगा दिशु। पता था कि मैं आने वाला हूँ? नहीं, नहीं। 11 बजे दिशान की स्कूल छूटती है, अभी एग्जाम चल रहा है, तो वाइफ उसको लेके आने वाली है 10 मिनट में। सरप्राइज सरप्राइज पूरी नहीं तो आधी सरप्राइज। दीशु तो बता था तेरे को है कि मैं आने वाला हूँ? का रोज बोलता था बर्थडे पे नहीं आया ना तो मारूंगा, बोले मारूंगा। है 13 तारीख को इसका बर्थडे है, इसके लिए 4 दिन बाद। अभी 10 मिनट पहले आए। तेरे को ये डाउट नहीं लगा कि मैं सुबह भी आ सकता हूँ? पापू ये तो नहीं लगा। मैं टाइम नहीं देखा, समझ नहीं आया पापू इनका टाइम कब है। पापू बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। हैं? चलो देखते हैं, वो तो पता चल जाएगा। एक भी जगह नहीं छोड़ी मैंने, साथ लेकर। तो फाइनली आज करीब 11 या 12 दिन बाद अपने घर को देख रहा हूँ मैं। तो आज मेरी यात्रा का समापन हो गया। ये यात्रा करीब 11 दिन की थी, आज 12वां दिन है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आओ जो